बात करते हैं खरगोन की, जहां शनिवार को पिता पुत्र एसपी के पास शिकायत करने पहुंचे हैं। एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद मेनगांव निवासी राज महेश्वरी ने बताया कि 21 जून को उनके मोबाइल पर फोन आया कि आपके पापा ने ऋण ले रखा है, जिसका 3 सप्ताह से किस्तें नहीं भरी और इस कारण उन्हें जेल हो जाएगी। यह सुनते ही वो घबरा गया और फोन में जैसा जैसा बताया गया वैसे वैसे करता गया। युवक ने बताया कि उसे कैश ऐप डाउनलोड करने का बोला गया, जिसमें उसने 6600 रुपए डाल दिए। हालांकि इस संबंध में घर में किसी को जानकारी नहीं दी। इसके बाद फिर फोन आने पर, जिसके बाद 2 किस्तों में 15,800 रुपए जमा कराए, जिसके लिए उसने यह राशि गाँव वालों से उधार ली थी। पिता ने कहा, बेटे को परेशान देखने पर और गांव के लोगों द्वारा उधारी मांगने पर इस ठगी की जानकारी मिली थी। बेटे ने वाहन की किस्त भी ब्लैकमेलरों को दे दी। वहीं ठगी की जानकारी होने के बाद दोनों ने एसपी से मामले में कार्यवाही की मांग की है। विराट 24 के लिए खरगोन से संवाददाता प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। मेरे से पैसे लिए गए हैं, करीबन 40,000 रुपए दिए हैं। यस कैसे डाउनलोड करवाया है, उसमें उन्होंने किस्त के हिसाब से बोला है कि अगर किस्त नहीं जमा की तो पापा को जेल हो जाएगी, और सप्ताह की किस्त है। 3 किस्त थी, पहली 6,600 रुपये डाली और दूसरी 15,800 और तीसरी बार में और 15,800। तो मैंने कैसे करके दे दी, फिर जब घर पता चला तो मैंने इनकी शिकायत डाली। मैंने डर के पैसे लिए। अब क्या चाहते हैं आप? इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि ये किसी और के साथ ना ऐसा हो। क्या नाम है आपका? राज महेश्वर। कहाँ रहते हो? कहीं नहीं, बच्चा घबरा रहा था। मेरे को कल परसों पता चला, तो फिर मैंने बोला कि बेटा क्या हो गया। बोले पापा ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरे बच्चे ने 40,000 रुपये दे दिए। 40,000 रुपये कब से डाल रहे थे? कब से डाल रहा है? 21 तारीख से। कितने डाले गए, मतलब कितने कितने डाले? अब कितने कितने डाल रहा था, नहीं मेरी गाड़ी की किस्त भी डाल दी उसने। पैसे काहे के, किस्त काहे की थी? किस्त मेरी गाड़ी की थी। अच्छा, तो फोन कहाँ से आया था आपको? फोन कहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है नहीं उसके पास। तो पता करा आपने कहाँ गए पैसे? पैसे वो यस बैंक बोल रहे हैं कि यस केस में बैंक बोल रही है था। हाँ, अभी तो हमको पता नहीं एक बैंक कौन सी। कब क्या मांग करी आपने? हमने अभी कहीं नहीं मांग करी। हमारा ये बच्चे को परेशानी हो रही थी, ये परेशान हो गया था और बच्चा दिन में रात में खाना नहीं खाए, इधर उधर पैसे मंगने के लिए भटक रहा था। कितने बार दिया आपने? 20,000 तो मेरे घर से मैंने दे दिए, मतलब मेरे को पता नहीं है कि 20,000 इसने दे दिए घर से। गाड़ी किस्त पे ली थी आप? हाँ, गाड़ी कितने की उठी थी गाड़ी? वो तो गाड़ी है अपनी, अल्ट्रो है सर, वो तो यही बैंक से। और ये बच्चा मतलब किसी से भी उधार ला के ना वो पैसे जमा करता गया, उसको डराया धमकाया कि अगर पैसे नहीं भरे तो तेरे बाप को जेल हो जाएगी। तो ये बच्चा मेरे को बोल नहीं पाया। जब मेरे को पता चला है, दो एक लोगों ने बताया कि भाई तेरे बच्चे को मैंने इतने पैसे दे दिए, वो उधार ले गया, तो मैंने कहा इसको क्या ज़रूरत लगी। तो फिर मैंने उसको परसों के रोज बोला, तो मैंने कहा बेटा क्या समस्या है बता तुम्हें। नहीं, आप जब पैसा जमा कर रहे थे आप बैंक से मिले? आप बैंक से ऑनलाइन डलवाता था। ऑनलाइन डलवाए? हाँ। टोटल कितने दे दिए आपने? 40,000। अब क्या कहना पड़ रहा है उनका? अब उनका अभी कहीं वो तो बात नहीं कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि पेमेंट डालो,